हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ईवीएस क्लास। मैं आपकी टीचर श्वेता दोबारा आपसे मिलने आ गई और आज हमारा चैप्टर है 9, सेफ्टी फर्स्ट। जल्दी से अपनी बुक खोल लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए रीडिंग करना। चलिए हम पढ़ते हैं। वी नीड टू फॉलो सम सेफ्टी रूल्स टू स्टे सेफ वेयर एवर वी आर। दीज रूल्स आर डिफरेंट फॉर होम while playing and on the road, we can avoid accidents by following some basic safety rules. मतलब हमें कुछ safety rules follow करना चाहिए, ना कि सिर्फ घर में बल्कि बाहर भी, road पे भी, जब हम खेलने जाते हैं तब भी। चलिए आइए हम पढ़ते हैं कि घर में कौन से safety rules follow करने चाहिए। सबसे पहले हमारा topic है safety at home. Do not touch plugs and wires. हमें कभी भी टच नहीं करना चाहिए प्लग्स और ओपन वायर्स को, क्योंकि उसमें करंट फॉलो होता है। नेवर पुट योर फिंगर इन एन इलेक्ट्रिकल सॉकेट। कभी भी हमें इलेक्ट्रिकल सॉकेट पे फिंगर्स नहीं रखना चाहिए। ओके बच्चों, कभी भी मत करना। कीप अवे फ्रॉम फायर। फायर से हमें दूर रहना चाहिए, बिल्कुल भी फायर के पास नहीं जाना चाहिए। शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइव्स एंड ब्लेड्स कैन यू हर्ट यू। कभी भी हमें शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि नाइव्स, जैसे कि मम्मा जिससे सब्जी कटिंग करती हैं, ब्लेड्स, उनसे नहीं खेलना चाहिए क्योंकि वो हमें हर्ट कर सकते हैं। डू नॉट टच देम। हमें बिल्कुल नहीं छूना चाहिए उन्हें। गैस स्टोव्स एंड हीटर्स आर नॉट टॉयज, स्टे अवे फ्रॉम देम। गैस स्टोव और जो हीटर्स होते हैं वो खेलने की चीजें नहीं होती, उनसे दूर रहना चाहिए बच्चों। चलो अब हम चलते हैं कि सेफ्टी रूल्स वाइल प्लेइंग। अब आप कहेंगे कि मैम खेलने के साथ भी कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। प्ले विद टॉयज दैट आर सेफ एंड डू नॉट हैव शार्प एजेस। प्ले विद टॉयज दैट आर सेफ एंड डू नॉट हैव शार्प एजेस। उन खिलौने के साथ खेलना चाहिए जो सेफ हो, जिनसे आपको चोट ना लगे, जो शार्प ना हो नाइफ की तरह। ओके बच्चों, मैच बॉक्स एंड लाइटर्स आर नॉट टॉयज। माचिस का डब्बा और लाइटर बिल्कुल भी खेलने की चीज नहीं होती बच्चों, बिल्कुल उनसे नहीं खेलना चाहिए। ओके बच्चा पार्टी, स्टे अवे फ्रॉम पॉन्ड्स एंड वॉटर टैंक्स। हमें नदी, पॉन्ड्स और वॉटर टैंक, जहाँ पे मम्मा या डैडी अपने घर पे रखते हैं ना वॉटर टैंक वॉटर स्टोरेज के लिए, उससे भी नहीं खेलना चाहिए। आपको स्विमिंग आती है ना? नहीं आती तो सीख लीजिए बच्चा पार्टी। स्विम इन अ पूल Only in the presence of your teachers or parent. Swimming pool में जब जाना चाहिए, जब आपके teacher या मेरी तरह आपके parents हो तभी जाना चाहिए। Swim in a pool only in the presence of your teacher or parent. Swimming के लिए तभी जाना चाहिए जब मेरी तरह आपके पास teacher हो और जब आपके मम्मा पापा आपके पास हो। ओके बच्चा पार्टी, Never put coins, buttons, marble, etc. in your mouth or nose. कभी भी coins, सिक्के, बटन्स लाइक दिस एंड मार्बल्स कभी भी अपने मुंह और नोज पे नहीं डालना चाहिए। सिर्फ खाने वाली चीजें मुंह में डालनी चाहिए और नोज में तो वो भी नहीं डाला जाता। डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर। बच्चा पार्टी, अजनबियों से कभी बात नहीं करनी चाहिए, चाहे खेलते वक्त भी नहीं और घर जाते वक्त भी नहीं। ओके चलो अब हम देखते हैं सेफ्टी एट स्कूल। स्कूल में भी सेफ्टी रूल्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं बच्चा पार्टी। Do not stay back in school alone after the rest of the children have left. Do not stay back in school alone after the rest of the children have left. कभी भी छुट्टी होने के बाद स्कूल में अकेले नहीं रुकना चाहिए जबकि सारे बच्चे चले गए हो, क्या पता वहां भूत हो। Report to the sick room if you are hurt or feeling unwell. जब भी आपको ऐसा बीमार जैसा फील हो या आपको चोट लग गई हो, जल्दी से सिक रूम में रिपोर्ट करना चाहिए। नेवर लीव द स्कूल प्रेमिसेस विद एनी स्ट्रेंजर। कभी भी किसी अजनबी के साथ नहीं जाना चाहिए स्कूल से जब तक मम्मा पापा ना आ जाए बच्चा पार्टी। सेफ्टी इन पब्लिक प्लेस। अब सेफ्टी इन अ पब्लिक प्लेस, जैसे कि पार्क में, प्ले ग्राउंड में, वहां भी कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं बच्चा पार्टी। Stay close to the adult you are with. हमेशा साथ में रहना चाहिए अपने मम्मा पापा के पास या फिर कोई बड़े दीदी और बड़े भाई के साथ। Do not visit amusement park, malls or crowded public alone. कभी भी अकेले amusement park, mall और
जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ हो वहां अकेले नहीं जाना चाहिए। इफ लॉस्ट वॉक अप टू द नियरेस्ट पुलिसमैन और सिक्योरिटी गार्ड एंड टेल देम योर पेरेंट्स और गार्जियन फोन नंबर। इफ लॉस्ट अगर आप खो गए हो वॉक अप टू द नियरेस्ट पुलिसमैन और सिक्योरिटी गार्ड एंड टेल देम योर पेरेंट्स और गार्जियन फोन नंबर। सबसे पहले अपने पेरेंट्स का नंबर याद कर लो बच्चा पार्टी, फिर अगर आप खो जाएं तो सबसे पहले पुलिस वाले भैया के पास जाना चाहिए और उनको बताना चाहिए अपना फोन नंबर। ओके बच्चों, डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट बिलोंग टू यू। उन चीजों को बिल्कुल नहीं छूना चाहिए जो आपकी ना हो। अब हम जानते हैं कि रोड पे चलते वक्त कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। जल्दी से पढ़ते हैं रोड सेफ्टी। नेवर रन और वॉक ऑन द रोड, वॉक ऑन द फुटपाथ ओनली। देखो बच्चा पार्टी, कभी भी हमें रोड पे भाग के या बीचों बीच रोड पे नहीं चलना चाहिए। हमें कहाँ चलना चाहिए? हमें सिर्फ फुटपाथ पे चलना चाहिए। ओके बच्चा पार्टी, क्रॉस द रोड ओनली एट अ जेब्रा। हमें कहा जेब्रा क्रॉसिंग व्हेन द लाइट इज ग्रीन फॉलो द ट्रैफिक लाइट। हमें क्रॉस करना चाहिए रोड जब ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो, और हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करना चाहिए रोड। ओके बच्चा पार्टी, लुक राइट देन लेफ्ट एंड राइट अगेन बिफोर क्रॉसिंग अ रोड। सबसे पहले हमें राइट देखना चाहिए, फिर लेफ्ट देखना चाहिए, फिर राइट देखना चाहिए रोड क्रॉस करते वक्त। डू नॉट टेक एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आउट ऑफ द विंडो इन अ मूविंग कार बस ईटीसी। कभी भी हमें अपना सर और हाथ चलती हुई कार और बस के बाहर विंडो से नहीं निकालना चाहिए। वेट फॉर द व्हीकल टू स्टॉप बिफोर क्लाइंबिंग इन और गेटिंग आउट। हमें हमेशा व्हीकल जब रुक जाए, बस या कार जब अच्छे से रुक जाए, तब हमें नीचे उतरना चाहिए या फिर तब हमें उसमें ऊपर चढ़ना चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन द रोड, हमें सड़कों पे बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। चलो बच्चों, अब हम ये टास्क करते हैं। फाइंड आउट वॉट दीज रोड साइंस मीन, फिल इन दी ब्लैंक्स। ये जल्दी से अपने आसपास ढूंढिए रोड की साइंस और अपने मम्मा डैडी से पूछिए और इस साइंस को फिलअप कीजिए कि ये साइन क्या समझाती है हमें। चलिए अब जल्दी से हम इस चैप्टर को रिमेम्बर पॉइंट्स के साथ रिवाइज करते हैं। जल्दी से रिमेम्बर पॉइंट्स पर आ जाइए। सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या है बच्चों, वी नीड टू फॉलो सम सेफ्टी रूल्स टू स्टे सेफ वेयर एवर वी आर। सेफ रहते हैं इसलिए हमें हमेशा सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। दीज रूल्स आर डिफरेंट फ्रॉम होम वाइल प्लेइंग एंड ऑन द रोड। ये सारे रूल्स अलग अलग होते हैं अलग अलग जगहों पे। घर के सेफ्टी रूल्स अलग होते हैं, खेलने हम जब जाते हैं अलग होते हैं, जब रोड पे चलते हैं तो अलग होते हैं। वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स बाय फॉलोइंग बेसिक सेफ्टी रूल्स। हम हमेशा अच्छे से रूल्स फॉलो करके एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं। ओके बच्चा पार्टी, चलो मैं आपकी टीचर, ये आपका लेसन खत्म होता है यहाँ पे। मैं आपकी श्वेता टीचर अब दोबारा आपसे मिलूंगी विद न्यू नेक्स्ट चैप्टर। ओके बच्चों, कीप स्टडी, बाय बाय।